अब आपको बताएं कि नौ मेघे वाकत की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जेआईटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जिना हाउस हमला मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई समेत नामजद मुलजमान को कसूरवार करार दे दिया गया है। पुलिस तफ्तीश के नामजद मुलजमान की जिना हाउस वाकये में मनसूबाबंदी और अमल दरामद साबित हो गया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। जहांगीर आगाह कीजिएगा। मुकदमा नंबर 96/23 है जो कि जिना हाउस पर हमले का मरकजी मुकदमा था। इस मुकदमे समेत 10 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया गया है। तीन मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई थी। स्वाइट इन्वेस्टिगेशन टीम को तफसील दी गई थी, उसने तफ्तीश मुकम्मल कर लिया और तफ्तीश के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई जो है वो कसूरवार करार दे दिए गए हैं। उनके साथ जो दीगर नामजद पीटीआई रहनुमा है उनको भी कसूरवार करार दिया गया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिना हाउस हमला और 9 मई के दीगर वाकयात जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं। डिजिटल चवाहद, मोबाइल वीडियो, स्लो सर्किट फुटेजेस और मोबाइल रास्ते जो है वो दुराने तफ्तीश से साबित हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई का जेआईटी के सामने दिया गया जो बयान है वो भी शवाहिद के मुतजाद करार दिया गया है। इसके अलावा शवाहिद के मुतजाद करार दिया गया है। जहांगीर खान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।